नमस्कार, गुरु चकाचक चैनल में आपका स्वागत है। मैं धर्मवीर कुमार, प्रोफेक्शन IAS से। आप देख रहे हैं UPSC 2019 प्रिलिमिनरी टेस्ट का फुल एनालिसिस हिस्ट्री। आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए हैं उनकी कुल संख्या लगभग 18 है और ये 7 क्वेश्चन मॉडर्न से पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन एंशियंट से है और 4 क्वेश्चन मेडिवल से है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न और एंशियंट का लगभग वेटेज क्वेश्चन का बराबर है। आप इधर जरा ध्यान दीजिए, पहले नंबर पे जहाँ इकोनॉमिक्स से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं वहीं हिस्ट्री के दूसरे नंबर पर रहा, सर्वाधिक दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछे गए। पिछली बार से थोड़े क्वेश्चन की संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन ध्यान रखिए कि इस बार के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पिछली बार की कल्चरल पार्ट से ना ज़्यादा ध्यान दे करके बल्कि मेन हिस्ट्रिकल पार्ट से पूछे गए हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मेन हिस्ट्री के थीम का वेटेज बढ़ जाता है। एक बात और, यहाँ क्वेश्चन पहले की अपेक्षा फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल के अलावा इस बार एनालिसिस पे बेसिकली ध्यान दिया गया है। खास तौर पे मेडिवल के क्वेश्चन ऐसे हैं कि शायद थोड़े से मुश्किल में डालने वाले हैं, किंतु मॉडर्न के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और एनालिसिस आपका ठीक है और फैक्चुअल से उसको आप अगर आप जोड़ के पढ़ते होंगे तो निसंदेह आपको बहुत मदद मिली होगी। आप क्वेश्चंस को देखिए, आपको ये इस बात का अनुमान लगेगा कि निसंदेह ये क्वेश्चन अच्छे स्टूडेंट्स के लिए इस बार भी पूछे गए हैं और इस बार हिस्ट्री का मेरिट में योगदान वैसा ही रहेगा जैसा पिछली बार था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास अत्यंत ही GS में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में पुनः फिर से उभरा है। धन्यवाद।